ज्यादा फर्क आता हुआ नहीं दिखेगा। हालांकि लॉकडाउन के चलते जैसे कि एसेंशियल आइटम्स थी तो उसकी बिक्री थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है, तो इसके चलते जो आय है वो हल्की सी बढ़ती हुई जरूर दिख सकती है, लेकिन 1150 करोड़ के आसपास जो कुल आय है वो आती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो इस बार करीब 1 से 1.5% कामकाजी मुनाफा कम होता हुआ दिखेगा। मार्जिन इस बार करीब 27% पर फ्लैट रहने की उम्मीद लगाई जा रही है और मुनाफे की बात करें 2 से 3% तक मुनाफा कम होता हुआ दिखेगा। ये देखना होगा कि टैक्स का कितना बेनिफिट कंपनी को मिलता है, लेकिन कुल मिला के बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हम नंबर्स में इस तिमाही में नहीं देखेंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ से किस तरह से बदलाव आते हुए दिखे, क्या कोई सहारा मिला है। साथ ही इनकी जो आयुर्वेद सेगमेंट है यहाँ पे काफी जो मार्केट शेयर है वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका बढ़ता हुआ दिखा है, इसके चलते क्या स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है इस पर नजर रहेगी। और साथ ही जो सप्लाई चेन है उसमें कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं, कब तक नॉर्मल से वापस आती हुई दिखेगी, इसी पर नजर रहेगी। लेकिन कुल मिला के बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नंबर्स नहीं है, एकदम फ्लैट नंबर्स की उम्मीद इस तिमाही में कोल्ड वेव की तरफ से। ओके तो